हमारे लिए बहुत समस्याएं हैं सर। क्या क्या? हमारे लिए रहने को जगह नहीं है, खाने को बर्तन नहीं है, और अन्न मिल जाता है तो पानी नहीं मिलता है, पानी मिलता है तो अन्न नहीं मिलता है। सरकार से हमने खूब वर्षों सालों से हम फिरने लगे, सरकार से मांग किया है, हमने सरकार से हम लोगों ने मांग किया लेकिन हमको कोई शब्द नहीं मिले। और हम लोग कूट कूट के हमारी लुगाई घनघालती है, हम लोग घनघालते हैं और उससे हमारा पेट पालन किया है सर। अब वो भी मशीनों से बनने लगा है, अब मशीनों से बनने लगा है लेकिन हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया सर। अब तो कुछ भी हमारे पास में कुछ नहीं बचा है। क्या क्या समस्या है आपको? घर द्वार नहीं है, हमारे खेती किसानी नहीं है, भड़कते फिरते हैं, कोई लोग वचन नहीं देते हमारे को। और पहचान पत्र है हमारे को ना, हमारे को कचू नहीं है, हमारे को जाते हैं तो पकड़ते हैं। हाँ, हमारी ये समस्या, हम देहात में घूमते हैं भाई साहब, तो हमारे गाँव का मत हो जाते, खाने कमाने जाते हैं तो उधर हमारे को जब लगा देते हैं, मुसीबत है हमारे को बहुत। हॉस्पिटल में आपको इलाज मिलता है? नहीं मिलता है। आपके बच्चों को? हमारे बच्चे को भी नहीं मिलता। मीडिया के माध्यम से हमें ये सब चीज़ें पता लगी थी, यहाँ पर कुछ घुमंतू जाति स्पेशली जो जोगी संप्रदाय के लोग, तो उनके साथ ये शिकायत मुझे समय मिली है। लेकिन जो एक गांव की स्टोरी चलाई गई ग्राम पचौड़ा की, जहाँ पर मैंने अपने भ्रमण का कार्यक्रम रखा है और वहाँ पर जो कि काफ़ी संख्या में है, वहाँ पर जो मैंने अभी तक जो जानकारी वहाँ से प्राप्त की वो ये प्राप्त मिली, उनको वहाँ पर जमीन मिली हुई है और अभी सबको नहीं मिली है या कुछ लोग रह गए हैं, ज़्यादा लोग रह गए हैं, इसकी पड़ताल 26 तारीख को ही होगी और मैं स्वयं जो उस गाँव में जाके देखूंगा कि इनके साथ कोई असम इंजस्टिस है, तो हम लोग पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी ये लोग हैं तो इनके इनके जो भी सरकार की सुविधाएँ गवर्नमेंट सुविधाएँ उनको उनको आश्वासित करेंगे और 15 दिन के अंदर जितनी भी सुविधाएँ हैं उनको दिलाने। हम खड़े हैं घुमंतू जनजाति के कस्बा में, जहाँ पे ना तो इन लोगों के पास रहने के लिए मकान है ना ही छत है। ये लोग रोड के किनारे अपना डेरा बसा कर रहते हैं। 2 साल पहले सरकार द्वारा इनके लिए आधार कार्ड बनवा दिए गए थे लेकिन अब तक इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, ना ही सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। इस गर्मी में आलम ये है कि ये काली पन्नियों का डेरा बनाकर अब रहते हैं और इनके बच्चों का ये है कि ये पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन पढ़ने नहीं जा पाते हैं। सरकार से ये लोग मांग करते हैं लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। लक्की चौधरी, ईटी।